हमने पहले दिन अल्फाज की ताकत के बारे में बात की थी। अल्फाज में ताकत है, अल्फाज रुलाते हैं, हंसाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बिगाड़ते हैं, ऐसा ही है ना। अल्फाज कौमों का मिजाज बदलते हैं, एक आदमी का नहीं, पूरी की पूरी कौमों का मिजाज बदल डालते हैं। आजकल इस हुलिये के लोगों के साथ कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो खास मीडिया, खास प्लेटफॉर्म, खास अंदाज में ऐसे जब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो सोसाइटी तो इनके बारे में जो अपना रवैया कर रही है सो कर रही है, इन लोगों को जो जरब पहुंचती है कलब पर, जहन पर, इनके रवैये भी उसके नतीजे में बदलने लग जाते हैं। और आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। तो अल्फाज की सिलेक्शन, अल्फाज को सही चुनना और सही अंदाज में बयान करना, ये स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कल मुफ्ती साहब ने पॉइंट आउट किया कि आप लतीफ़ा सुनाते हुए खान साहब का नाम क्यों लेते हैं, किसी भी ज़ात का नाम क्यों लेते हैं, वो अल्फाज दूरी पैदा करते हैं, फासले पैदा करते हैं। अब कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, इसके लिए हमें ज़खीरे अल्फाज में, अपनी वोकैबलरी में इजाफा करना होगा। मैं आपकी बात सुन के हैरान हो गया, इसे कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा जा सकता है बताइए। मैं आपकी बात सुन के हैरान हो गया, ये मेरी वो बात सुन के लोग हैरान रह गए। पहली बात, जी मैं हक्का बक्का, इन्हें हक्का बक्का कर दे जाके, कैंडियाँ आपके पास है भाई, आप इंचार्ज हैं कैंडी के। बारी बारी मैं बारी बारी खड़ा करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपकी बात सुनते ही मैं चौंक उठा, आपकी बात सुनते ही मैं चौंक उठा, मैं आपकी बात सुन के चौंक गया। एक ही बात हैरत में डाल दिया, जी परेशान होना हैरान होना फर्क है जी, मदहोश कर दिया। आपकी बात ने मदहोश कर दिया, नहीं मैं नशा तो नहीं देता, वो कैंडी दे जहाँ पीछे वाली थी। आपकी बात ने दिमाग में हलचल मचा दी, इधर देख कैंडी हलचल को, आपकी बात से तो मैं शिशर रह गया, शिशर रह गया। आता आता हूँ ये पूरा इधर आता हूँ, हाथों के तोते उड़ गए, वैसे परेशानी में उड़ते हैं मगर कैंडी दे देते हैं जी। हैरान होने में और परेशान होने में फर्क है, मैं हैरान होने की बात कर रहा हूँ, आप परेशानी की बात कर रहे हैं। अंगुष्ठ दोनों तो वेरी गुड कैंडी दे जी, हैरान रहना, हैरान दंग रह गया, मुतहय्यर रह गया, ये गुजर के हो ना यहाँ से, बाद में हाथ खड़ा किया आपने, हैरत खुशी नहीं, हैरत हैरत का है जी। आपकी बात सुन के मुझ पे सकतकारी हो रही है, करीब करीब है दे दे जी, आपकी बात ने मुझे हैरत ज्यादा कर दिया, हैरत ज्यादा कर दिया, हैरत की इंतहा नहीं रही, हैरत की इंतहा नहीं रही। आपकी बात ने मुझे समझ नहीं आ सकी, दहशत नहीं, दहशत तो खौफ है, हम तो हैरत की बात कर रहे हैं। आपने तो मुझे घुमा के रख दिया, घुमा के रख दिया, अच्छा जी। आपकी बात ने मेरे दिमाग की चोले हिला दी, दिमाग की चोले इरादे इनके भी हिली हुई हैं जी, तहय्युर के आलम में पहुंचा दिया। पहले कहा था कि हम कुछ भी स्पीच देते हैं तो तस्वीरात देते हैं, आपने पिछली तस्वीर देखा उसमें एक मौलवी खड़ा सर पे टोपी है, उसमें आगे लिखा टेररिस्ट, तो ये तो एक आप भी पैगाम दे रहे हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, ये पैगाम ये है कि ये अल्फाज तो बंदे को जहनी तौर पर शिकस्त दे रहे हैं, इन अल्फाज को बदलें, पैगाम ये है। ओके इंडिया की फिल्मों में पता ना छक्का किसे कहते हैं। ओके अब देखिए एक ही फीलिंग को आप कितने मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं, एक ही लफ्ज नहीं चलेगा, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। तो आपका ज़खीरा अल्फाज ये बताता है कि एक ही बयान को कितने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बयान किया जा सकता है, ज़खीरा अल्फाज को बढ़ाएं। लेकिन एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, आप जितनी भी गुफ्तगू करते हैं कभी तजर्बा करके देखिएगा, कहा जाता है कि एक आम आदमी उसका ज़खीरा अल्फाज 15 से 2,000 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, आम आदमी का, राइटर शायर इस तरह के जो लोग हैं इनका आम तौर पे 2 से 3,000 अल्फाज तक ज़खीरा अल्फाज होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे आगे जाते हैं। लेकिन ये ज़खीरा अल्फाज है, ये वो अल्फाज नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये वो हैं जिनका आपको पता है, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं
उन्हें हम कहते हैं NLP की जुबान में प्रोसेसिंग वर्ड्स, जो आपके बार बार इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज 150 से 200 हैं बस। आपकी ज़्यादातर गुफ्तगू जिन अल्फाज के गिर्द घूमती है वो 150-200 हैं, घूम फिर के वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप इसे कई लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि ये ज़रूरी है, मगर वो बोल नहीं पा रहे होते, बड़ी मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। दिलचस्प बात यह है कि अपने वो प्रोसेसिंग वर्ड्स ढूंढ लें वो कितने हैं जिनके ज़रिए आपने बात करनी है, तो वो 150 से 200 ही निकलने हैं। वो 150-200 वर्ड अल्फाज और उनका सही इस्तेमाल मौके महल के मुनासबत से ये सीख लें तो आप अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचाने के काबिल कम अज़ कम हो जाएंगे। वो कादरुल कलाम होना एक और बात है, किताब को पढ़ना समझना और बात है, मगर बोलने चालने की हद तक कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मुझे अपनी बात कहनी आनी चाहिए, बात सुननी आनी चाहिए, तो वो सिर्फ 150-200 अल्फाज को सही तरीके से समझ लेना आपको इस काबिल कर देता है कि आप अपना पैगाम पहुँचा भी सकें और सुन भी सकें। तो अपने ज़खीरे अल्फाज में इजाफे के लिए बाकायदा कोशिश करनी चाहिए। बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ी से सीख रहे होते हैं, उनके अल्फाज दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं, हमारे अल्फाज दिन ब दिन कम हो रहे होते हैं। तो कम अज़ कम जिस मौजू के ऊपर आपने बात करनी है उस मौजू के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज होना आपकी कादरुल कलामी में इजाफा करेगा। मुतालिया, बोलना, सुनना, मुशाहिदा। अभी मैंने सिर्फ हैरत की बात की तो हमारे सामने कम अज़ कम की 15-16 मेरा ख्याल है कि उसके मुख्तलिफ आ गए। अब आप में से कितने लोगों ने लिखी है ये मुझे नहीं पता, ये तो अब आपका काम था ना, मेरा काम था सुनवाना, उन्हें लेके जाना आपका काम है, फिर उस लेके गए को इस्तेमाल करना आपका काम है। तो जो सीखे उसे इस्तेमाल करें, यही इसका हल है।